नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। हमेशा की तरह आज फिर कुछ खास बातों पर चर्चा करेंगे। मैं हमेशा ही आपके साथ वास्तुशास्त्र और अपने अनुभव की बातें शेयर करता हूँ। जाने अनजाने में हर व्यक्ति अपने घर की रेनोवेशन, उनका अपना घर छोटा है, बड़ा है, कोठी है, बंगला है, या अपना उनका अपना फ्लैट है, 5-7 साल के अंदर वो घर छोटी मोटी मेंटेनेंस और वाइट वॉश मांग ही लेता है, करवाना पड़ता है। जो व्यक्ति पैसे के मामले में सक्षम होता है, जिनका व्यापार अच्छा चल रहा होता है, वो अपने घर के अंदर चेंजेस जरूर कर लेता है, क्योंकि वो सक्षम होता है और अपने घर को मेंटेन करता है। ऐसे में जो व्यक्ति अपने घर के अंदर जिस तरह के उनके यहाँ दीवारों पर रंग हुए हैं वैसे ही रंग दोबारा करा लेता है, तो उनकी गाड़ी जैसी चल रही है वो वैसी ही चलती रहती है, और जहाँ पर जिस घर के अंदर जहाँ जैसा कलर है वो कलर चेंज करके दूसरा कलर करा देते हैं, तो उस घर के अंदर उस घर की जो एनर्जी है वो चेंज हो जाती है, जो एनर्जी फील्ड है वो बदल जाती है, जो वहाँ का ऑरा है, जो वहाँ की सकारात्मक ऊर्जा है वो बदल जाती है, वो नेगेटिव हो जाती है। मैंने बहुत सारी जगह देखा है, ज़्यादातर केसेस में जब भी जो भी व्यक्ति अपने घर की मेंटेनेंस कराता है, रेनोवेशन कराता है, कलर चेंज कराता है, तो उनके यहाँ वास्तु दोष बन ही जाता है। 100 में से 70% व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके यहाँ जिनकी वास्तु खराब हो जाती है, और 30% लोग वो होते हैं जिनकी वास्तु खराब होती है, यदि वो जैसे तैसे करके अपने यहाँ अपने कलर चेंज कर देते हैं तो उनके यहाँ पॉजिटिव ऑरा बन जाता है और उनको बेनिफिट मिलना शुरू हो जाता है। ऐसे में मैं आपको एक बात कहूँगा, यदि आपके यहाँ इस तरह की समस्याएँ आ रही है, आपका जो अच्छा खासा व्यापार है उसमें प्रॉब्लम आ रही है, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा, आपकी अपनी फैक्ट्री है उसमें बार बार नुकसान लग रहा है, नुकसान लगने का एक नहीं कई प्रकार से कारण बनते हैं, माल का महंगा मिलना, माल का सस्ता बिकना, मशीनों में ब्रेकडाउन आना, जब माल की ज़रूरत है तब लेबर नहीं है, जब लेबर है तो आपके पास रॉ मटेरियल नहीं है, या कोई ना कोई ऐसी समस्या बन जाती है जिसकी वजह से आप माल प्रॉपर क्लाइंट को नहीं दे पाते, या आपके पास जो पेमेंट समय पर आनी चाहिए वो पेमेंट नहीं आती, या मार्केट में कोई ना कोई ऐसा क्लाइंट टकरा जाता है जो आपकी पूंजी को दबाकर बैठ जाता है, आपकी पूंजी को नहीं देता। इस तरह के बहुत सारे कारण बनते हैं जिसकी वजह से नुकसान लगता है। आपके यहाँ इस तरह का नुकसान लग रहा है तो आप मेरी बातों पर विचार करें, सोचें और समझें। आप अकेले बैठकर विचार करें या अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर विचार करें कि आपके यहाँ ऐसा क्या बदलाव हुआ, कब हुआ, जिसके कारण आपका अच्छा खासा व्यापार, बढ़िया व्यापार चलता हुआ नुकसान में आ गया। जब आप विचार करेंगे तो आपको इसका पता चल जाएगा, क्योंकि जो व्यक्ति पैसे के मामले में कमज़ोर है वो व्यक्ति अपने घर की मेंटेनेंस नहीं करा सकता, अपने घर के अंदर वाइट वॉश नहीं करा सकता। जो व्यक्ति पैसे के मामले में सक्षम होता है वही व्यक्ति अपने घर की मेंटेनेंस कराता है, वाइट वॉश कराता है। ऐसे में अधिकतर लोगों के यहाँ, अधिकतर परिवार में यही देखने को आता है कि अच्छा खासा व्यापार चल रहा था और अचानक से लॉस में बदल गया। उस व्यक्ति को होश भी नहीं आता कि उसको कब कितना कैसे नुकसान हो गया, वो इन्हीं उलझनों में लगा रहता है कि उसके साथ अचानक हुआ क्या है। कुछ ही समय में देखते हैं कि वो व्यक्ति अच्छे खासे व्यापार से नीचे कर्ज में डूब गया। ऐसे में मैं आपको एक बात ज़रूर कहूँगा, यदि आपके यहाँ इस तरह का नुकसान लग रहा है तो आप मेरी बातों पर सोचें, समझें और विचार करें कि आपने कब, कहाँ और कैसे क्या क्या बदलाव किए, आपने अपने घर के अंदर क्या बदलाव किए, आपने अपनी फैक्ट्री के अंदर क्या बदलाव किए हैं, उन पर गौर कीजिए और वास्तु सलाह लेकर ही अपने यहाँ कुछ बदलाव जो आपने करने हैं वो वास्तु सलाह लेकर ही अपने यहाँ बदलाव करें। जब भी कोई भी बदलाव करते हैं तो कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर आता है। आप मेरी बातों को सोचें, समझें और विचार करें। आपको मेरा प्रोग्राम अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।